हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो ये एपिसोड है, ये मैं फेस वॉश के बारे में आपको बताने वाली हूँ और एक फेस वॉश का रिव्यू भी करने वाली हूँ जो मैं गूगल पे यूज करती हूँ। मैं जितने भी बेबी प्रोडक्ट्स यूज की हूँ और जिस जिस चीजों को मैं ट्राई की हूँ ऑलरेडी, और अगर वो इफेक्टिव नहीं भी हुआ है तब भी मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगी, क्योंकि मेरे कुछ पेरेंट्स के साथ ये कन्वर्सेशन बहुत टाइम से होता ही आ रहा है कि कौन सा चीज बच्चों के लिए सही है, कौन सा चीज सही नहीं है। क्योंकि बेबी प्रोडक्ट्स का इतना ह्यूज रेंज मार्केट में अवेलेबल है, तो बहुत पेरेंट्स को कंफ्यूजन भी होता है कौन सा चीज लें, कौन सा चीज नहीं लें, कौन सा चीज बेबीज के लिए सेफ है, कौन सा सेफ नहीं है। तो इसी वजह से मेरा ये प्लेलिस्ट मैं आज से शुरू कर रही हूँ, जिसमें कि प्लेलिस्ट में आप प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट मैं गूगल पे यूज करती हूँ, अगर मैं कोई प्रोडक्ट यूज की हूँ वो अच्छा नहीं हो रहा है तभी वो चीज मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, ताकि वो चीज आप ना ले। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसी वजह से मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं आप लोगों से बताने वाली हूँ, रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो इसीलिए आज का एपिसोड है, इसमें मैं बेबी फेस वॉश के बारे में बात करने वाली हूँ। नॉर्मली बच्चों का जो फेस वॉश किया जाता है, बहुत पेरेंट्स को ये चीज लगता है कि बच्चों का मुंह पे साबुन या फिर फेस वॉश हुआ या फिर कुछ भी लगाना चाहिए या फिर नहीं। तो मेरा आंसर है, आप बेबीज का फेस वॉश इनिशियल डेज से ही कर सकते हैं। जब नाभि गिर जाता है तब प्रॉपर बाथ आप देते हैं तभी आप फेस वॉश कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। अगर आप बच्चों का फेस वॉश कर रहे हैं तो एक चीज का आपको जरूर ख्याल रखना पड़ेगा कि बच्चों का आंखों में वो ना जाए। और कोई भी अगर फेस वॉश का ब्रांड आप चुन रहे हैं तो सबसे पहले आप ख्याल रखिए कि वो टियर फ्री, पैराबिन फ्री और अल्कोहल फ्री हो। उसमें क्या होता है कि बच्चों के आंखों में अगर गलती से थोड़ा सा चला भी गया तो आंखों को बिल्कुल भी हार्म नहीं होता, ना ही आंखों से पानी निकलता है। तो इसी वजह से कौन कौन सी चीजों का आपको ख्याल रखना है कोई भी बेबी प्रोडक्ट चुनते वक्त, वो सब चीजों के बारे में मैं इस प्लेलिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ आपको रिव्यू देने वाली हूँ। तो फेस वॉश तो आप कभी भी यूज कर सकते हैं, बच्चों को दिन भर में आप चाहें तो दो बार यूज कर सकते हैं, मॉर्निंग में जब बैदिंग के टाइम पे आप यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी थिंग है, आप इवनिंग में अगर बच्चा आपका अभी खेलने लगा है, बाहर जाता है, या फिर बच्चे अगर घर में भी खेल रहे हैं तो इवनिंग में एक बार आप फेस वॉश कर सकते हैं, बच्चों को फ्रेश फील होता है। तो मैं गूगल पे जो फेस वॉश यूज करती हूँ मैं उसके बारे में आज बात करना चाह रही हूँ। ये मैं यूज करती हूँ, आप देख सकते हैं, ये ममा अर्थ का फेशियल फोम है। ये बहुत ही अच्छा लगता है, वो इसलिए भी क्योंकि ये क्लींजर फोम बेस्ड क्लींजर है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका 0 to 10 years तक, आप देख सकते हैं होपफुली, ये 0 to 10 years तक के बच्चों के लिए है। मतलब आप शुरू से ही ये फेस वॉश यूज कर सकते हैं। जब गूगल 1 महीने का था तब से मैं ये फेस वॉश शुरू की थी और अभी तक भी यूज कर रही हूँ, और इससे मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि अगर बच्चों की स्किन पे कोई डर्ट या पोल्यूशन या फिर कुछ भी अगर स्टिक्की सा भी चिपक गया हो तब भी ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से क्लीन कर देता है। और ये हाइपोएलर्जेनिक है, मेड से सर्टिफाइड ब्रांड है। एज मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ कि ममा अर्थ का चीजें आप ले सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। 0 to 10 years तक बच्चे ये यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा खासा रेंज है, इसको आप इनिशियल डेज से ही शुरू कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस है ये है 349, आप देख सकते हैं 349 इसका प्राइस है, जो कि काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और इसमें जो की इंग्रेडिएंट्स हैं ये भी सारे ही नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल या फिर पैराबिन नहीं है, ये पैराबिन फ्री और केमिकल फ्री अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट है। और लिक्विड या जेल बेस्ड जो क्लींजर होते हैं वो फोम क्रिएट करने पड़ते हैं हाथ में रब करके या गाल पे, तो वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है, लेकिन ये फोम बेस्ड है इसी वजह से आप कभी भी इसको डायरेक्टली पंप करके निकाल सकते हैं। और इसका जो इफेक्ट है ये भी काफी अच्छा है, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी सकती हूँ। सी ये देखिए, ये इसको आप आराम से निकाल के भी यूज कर सकते हैं, ये पंप पैक में आता है। इससे मैं दिखाना चाहूंगी आपको, देखिए ये
ये देखिए ये फोम बेस्ड है, तो ओवरऑल बच्चों का अगर फेस पे आप फोम बेस्ड क्लींजर यूज करेंगे तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा रब करने की जरूरत नहीं है। और ये एलोवेरा एंड कोकोनट बेस्ड क्लींजर है जो कि बहुत ही अच्छा होता है क्लींजिंग के मामले में, तो इस वजह से इसको आप यूज कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। मैं गूगल के लिए ये 1 महीने से ही शुरू की हूँ और अभी तक भी यूज कर रही हूँ और इससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो आप ये चीज देख सकते हैं, इसके जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो एक बार जाके देख सकते हैं। होपफुली आज का एपिसोड आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा। मेरे अपकमिंग अपलोड्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि मेरे कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। हियर इज लकी साइनिंग ऑफ।